भोपाल से बीजेपी की उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर कल से ही जोर शोर से चुनाव प्रचार में लग गई हैं और वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ जुड़ने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए उनकी जेल की एक एक दिन की कहानी वो लोगों से बता रही हैं। कई बार कल आपने देखा होगा उनकी आंखों से आंसू भी छलके, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने शहीद हेमंत करकरे की शहादत को भी अपमानित किया है, एक विवादित बयान दिया है और ये कहा है कि मैंने हेमंत करकरे से कहा था कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा है साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने। एक पार्टी जो देश के लिए, धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए, ईमानदारी के लिए, विकास के लिए जानी जाती है, वो पार्टी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता जो उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे श्री राजनाथ सिंह जी, उनका बयान था कि ये गलत हो रहा है क्योंकि उन्हें जानकारी थी कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। लाल कृष्ण जी आडवाणी, उन्होंने कहा कि साध्वी जी निर्दोष हैं, अगर दोषी हैं तो जांच करवाओ, ईमानदारी से जांच करवाओ, नहीं तो उनको छोड़ दो। तो जो मौन मोहन सिंह था वो मौन बोल पड़ा। उसने कहा क्या बात हो गई लाल कृष्ण जी, क्या बात हो गई, हमने कभी आपको ऐसे बोलते हुए नहीं देखा, आज ये साध्वी के लिए आप क्यों बोल रहे हो, मैं जांच करवाता हूं। उस जांच करवाने में लाल कृष्ण जी ने कहा कि मुझे ये फर्क नहीं पड़ता है कि आप किसी अपराधी को दंड दे रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल फर्क पड़ता है कि किसी को धर्म के नाम पर, किसी को जाति के नाम पर, किसी स्त्री शरीर को जबरदस्ती उसको आतंकवादी घोषित करो, राष्ट्रभक्तों के ऊपर प्रहार करो, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा जांच करवाएंगे। एक राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के सदस्य को उन्होंने भेजा, हेमंत करकरे को उन्होंने मुंबई बुलाया, मैं मुंबई जेल में थी उस समय। हेमंत करकरे को वो जांच आयोग, जांच जो बिठाई थी वो सुरक्षा आयोग के सदस्य को हेमंत करकरे को बुलाया, कहा कि जब सबूत नहीं है तुम्हारे पास तो साध्वी जी को छोड़ दो, सबूत नहीं है तो इनको रखना गलत है, गैर कानूनी है। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, कुछ भी करूंगा, बनाऊंगा, करूंगा, इधर से लाऊंगा, उधर से लाऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। ये उसकी कुटिलता थी, ये देशद्रोह था, ये धर्म विरुद्ध था। जब वो मुझसे पूछा तमाम सारे प्रश्न करता था, क्यों ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैंने कहा मुझे क्या पता भगवान जाने, तो क्या ये सब जानने के लिए मुझे भगवान के पास जाना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आपको आवश्यकता है तो आप अवश्य जाइए, आपको विश्वास करने में थोड़ी तकलीफ होगी, देर लगेगी, लेकिन मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी मेरे लिए, और मेरे लिए नहीं किसी के भी लिए। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। ठीक सवा महीने में सूतक लगता है, जब किसी की मृत्यु होती है या जन्म होता है तो सूतक लगता है, तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया था, और ठीक सवा महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। भगवान राम के काल में रावण हुआ, उसका अंत सन्यासियों के द्वारा करवाया गया। भगवान जब हमारा द्वापर युग था, जब कंस हुआ तो उसका अंत करवाने के लिए पुनः संत आए जिनको कंस ने जेलों में ठूस रखा था, ऐसे संतों का, ऐसे सन्यासियों का शाप लगा और वो शाप उसको अंत तक ले गए और भगवान कृष्ण ने उसका अंत किया। ऐसी ही आसुरी शक्तियां जब यहां व्याप्त हो गई 2008 में, जब मैं जेल गई पूरा दृश्य मुझे समझ में आया, और जब ये धर्म विरुद्ध गया और ये कांग्रेस धर्म